गाइस यू थिंक आई वोंट नोटिस एन ओपन बॉक्स और गाइस ये बॉक्स ओपन रह गया और वो अब हमें झटका लगाएगा और गाइस जो व्हाट्स गाइस तो कैसे हैं सब लोग। तो आज हम लोग काफी देर के बाद दोबारा से लेके आए हैं एक और न्यू हॉरर गेम। जैसा कि आपको पता है कि हम काफी कमाल की हॉरर गेम्स लाते रहते हैं और डिफरेंट गेम्स भी लाते रहते हैं। गाइस इसी बात पर जाकर आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर सब्सक्राइब कर लें था। आपको नाम से पता चल रहा होगा कि इसमें एक पागल आदमी जो हमारे पीछे लगेगा और हमने उससे बच कर एस्केप करना है। तो ओके गाइस, काफ़ी कमाल के ग्राफिक्स के साथ हम लोग आ चुके हैं एक ब्रांड न्यू हॉरर गेम। तो गाइस हमें यहाँ पर एक जानवरों के पिंजरे में कैद करके रखा है। तो गाइस जल्दी से हम इधर से एस्केप करने की कोशिश करते हैं। तो करना, तो गाइस यहाँ पर लॉक है और इसको ओपन करने के लिए हमें कुछ ना कुछ चाहिए। तो गाइस यहाँ पर एक लॉक पिक पड़ी है। तो गाइस हमें एक लॉक पिक मिल चुकी है तो मे बी इससे हम डोर को ओपन कर सकते हैं। तो गाइस फाइनली हमने एस्केप कर लिया है। तो गाइस फिलहाल तो हम अभी यहाँ से निकले हैं, अभी हमें इसके घर से निकलना पड़ेगा और काफी खतरनाक घर है इसका। यहाँ पर एक स्ट्रेचर पड़ा हुआ है और ये डोर है जहाँ पर थोड़े बहुत ब्लड लगा हुआ है। क्या बोला तूने? और यहाँ पर गाइस एक डोर है। तो गाइस ये मुझे नहीं लगता खुलेगा क्योंकि ये लॉक है। बस यहाँ पर कुछ ये मीटर बना हुआ है तो इसको ऑन कर दें। तो गाइस वहाँ पर कुछ इलेक्ट्रिसिटी शॉक। तो गाइस ये जो सा हमें केज में उसने बंद किया हुआ है वो एक इलेक्ट्रिक स्विच के साथ कनेक्ट हुआ हुआ है। वेरी डेंजरस। तो मुझे लगता है वो इसके अंदर हमें बंद करके मारेगा। यार ये क्या बात है, मैंने कुछ किया ही नहीं। तो हम इधर से तो निकल आए, अब देखते हैं आगे हमने कहां पर जाना है। तो गाइस यहां पर एक पैनल है और इसकी वायर जहाँ आ रही है नीचे से यहां पर। तो गाइस मुझे लग रहा है इसकी वायर कट हुई हुई है। नो गॉड प्लीज नो नो। तो गाइस बेशर्म आदमी ने वायर भी कट कर दी हुई है और यहां पर एक बॉक्स पड़ा हुआ है। और गाइस यहाँ पर देखते हैं कुछ, यहाँ पर एक पिकैक्स बनाने का मैप बैठा हुआ है। तो गाइस यहाँ पर रेसिपी तो पड़ी हुई है पिकैक्स बनाने की लेकिन हमारे पास अभी पार्ट्स नहीं है। तो जो गाइस जल्दी से देखते हैं हमें क्या क्या मिलता है यहाँ से। गाइस यहाँ पर एक कैलेंडर है, उसको चेक करते हैं। इसके पीछे गाइस इसको के पीछे उसने कुछ छुपाया हुआ है। तो गाइस ऐसा करते हैं, मुझे लगता है ये पिकैक्स का जो सा वुड है इसको वापस लगा देते हैं ताकि वो देखे ना। यहाँ पर एक बेड है जिसके ऊपर मैट्रेस तो नहीं है, नहीं तो हम यहाँ पर आराम से सो जाते हैं। तो गाइस हमें यहाँ पर एक हैमर मिला है, यहाँ पर हमें की भी मिली है, इसको तोड़ के हैमर से मे भी तोड़ सकते हैं इसको। तो गाइस हमने हैमर से इसको तोड़ दिया और गाइस उसने हमारी नॉइज सुन ली है और गाइस अब वो हमें पकड़ेगा। गाइस I should rush back to the cage. Guys, हमें वापस जाना पड़ेगा केज के अंदर, नहीं तो वो हमें पकड़ लेगा। I hope you won't notice. Guys, जल्दी से अंदर चले जाते हैं इससे पहले वो हमें देखे भाई। अगर उसने हमें बाहर देख लिया तो वो हमें मार देगा। ये क्या बात है? मैंने कुछ किया ही नहीं है। तो देखते हैं गाइस। और गाइस वो ये कह रहा था आदमी के वो नोटिस करेगा अगर हमने कोई चेंजिंग की हुई है कमरे में। गाइस वेट अ सेकंड। और गाइस उसको इमेजिनेशन थी उसकी, तो अच्छी बात है उसने हमें नहीं देखा। तो यहाँ पर जल्दी से इसको लगाते हैं। तो गाइस ये इसी बॉक्स की थी फाइनली, ये बॉक्स हो चुका है ओपन। इसमें से हमें एक मेटल सॉ मिला है और एक टेप मिली है। तो गाइस हमने यहाँ पर एक वायर कटी हुई देखी थी, मुझे लग रहा है टेप यहाँ पर ही लगेगी। तो गाइस हमने टेप लगा दिया और जल्दी से इसको ओपन करते हैं और नहीं इसको क्लोज करते हैं और पैनल को ओपन करते हैं क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी आ गई होगी। तो गाइस हमें इसके अंदर पासवर्ड डालना होगा। तो गाइस अब पासवर्ड हमें ढूंढना पड़ना है। तो गाइस इधर एक ड्रॉअर भी है और ड्रॉअर के अंदर एक कटर है, इसको भी हम उठा लेते हैं, कहीं ना कहीं तो काम आएगा। तो गाइस यहाँ पर टेबल के साथ देखें यहाँ पर जीरो लिखा हुआ है। तो गाइस मुझे लग रहा है यहाँ पर ही कहीं पे इसका पासवर्ड होगा। यहाँ पर फाइव लिखा हुआ है और यहाँ पर एट लिखा हुआ है,
और यहाँ पर 9 लिखा हुआ है। और गाइस इसका कोई हिंट हमें ढूंढना पड़ना है, यहाँ पर कुछ पड़ा हुआ है गाइस। तो गाइस यहाँ पर कोई मौसम के हालात बता रहे हैं और बाहर काफ़ी ख़तरनाक मौसम है गाइस। मुझे लगता है ये पहाड़ों के ऊपर रहता है क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ठंड और ये जंगल लग रहा है, पहाड़ तो नहीं जंगल लग रहा है। काफ़ी ख़तरनाक दरख्त हैं बार और काफ़ी तेज़ हवा चल रही है और स्नो भी गिरी हुई है। गाइस जल्दी से हम पासवर्ड डाके मार कर ट्राई करते हैं, फिलहाल देखते हैं हमारा तुक्का लगता है कि नहीं। 9 8 9 0 5 और 8 9 0 5 8। गाइस ये एक दफ़ा डाल कर देखते हैं, 9 0 5 8 9 0 5 8। तो गाइस देखते हैं, गाइस तुक्का लग गया फाइनली गाइस। तो गाइस यहाँ से हमें डोर ओपन करना है और गाइस मुझे लग रहा है ये डोर इसके साथ कनेक्ट हुआ था क्योंकि एक इलेक्ट्रिक डोर है, लगता तो नहीं इलेक्ट्रिक डोर लेकिन ये गाइस ने कुछ पीछे सिस्टम लगाया है। तो फाइनली गाइस ये डोर ओपन हो चुका है और यहाँ पर कुछ ये पड़े हुए बॉक्सेस को ओपन करके देखते हैं, कैबिनेट इसके खोलते हैं। और गाइस कैबिनेट के अंदर से हमें एक लकड़ी मिली है लेकिन इसका पता नहीं क्या काम है, देखते हैं गाइस। इनको बंद कर देते हैं फिलहाल क्योंकि वो नोट करता है हमने अगर कुछ चेंज किया तो जब वो आएगा तो हमें सब कुछ उसी तरह रखना है जिस तरह वो पहले था। बस यहाँ पर एक यहाँ पर स्क्रू लगे हुए, मुझे लग रहा है इसको भी ओपन करना पड़ना। वैसे हमें कटर मिला था, यहाँ पर एक चेन लगी है इसको ओपन करते हैं। तो गाइस हमें पिकैक्स मिल गई है और गाइस पिकैक्स का अगला हिस्सा मिल गया और पिछला भी हिस्सा मिल गया लेकिन उसको निकालने के लिए हमें कुछ ना कुछ और करना पड़ेगा। तो गाइस ऐसा करते हैं, यहाँ पर कुछ ना कुछ तो होगा। गाइस ऊपर एक पैनल था और हमें ऊपर से खोला और वहाँ से एक ग्लास भी गिरा और हमें एक लीवर भी मिला है। तो गाइस जल्दी से इसको तो हम बंद करना पड़ेगा, सब कुछ हमें पहले जैसा करना पड़ना है। तो गाइस इसको डोर को हमें बंद करना पड़ना है क्योंकि वो नोट करता है और उसने नोट किया तो काम खराब हो। इस ड्रॉअर को भी बंद कर देते हैं और गाइस वो आ गए। गाइस हम काफ़ी टाइम के साथ अंदर आ गए, नहीं तो वो तो हमें मार देने लगा था। गाइस वो नोट कर रहा है, अब देखते हैं हम बचते हैं कि नहीं। मुझे तो लगता है हमने सब कुछ ठीक तरह बंद कर दिया है, अब देखते हैं गाइस। और गाइस और गाइस ये बॉक्स ओपन रह गया और वो हमें झटका लगाया और गाइस ने काफ़ी खतरनाक झटका लगाया है और हम मुझे लगता है बच गए हैं। तो गाइस हमारे ब्लड लग गया हमारे ऊपर। तो गाइस लॉक पिक को दोबारा से यूज़ करते हैं और गाइस अब लॉक पिक हमसे उसने ले लिया है। तो अब गाइस हमें सब कुछ ध्यान से बंद करना पड़ना है। तो गाइस ऐसा करते हैं, ये लीवर हमें मिला था, मुझे लग रहा है यहाँ पर लगेगा, इसको घुमाते हैं और यहाँ से हमें एक रैंच मिल गया। तो गाइस को अब देखते हैं इस रैंच का हमने क्या करना है। सबसे पहले इस डोर को ओपन कर लेते हैं और अंदर चलते हैं जल्दी से। और गाइस रैंच तो हमें मिल गया, इस दफ़ा हमें ध्यान से करना पड़ना, नहीं तो वो दोबारा से हमको मार देगा। गाइस यहाँ पर स्क्रूज लगे हुए हैं, इनको ओपन करते हैं। गाइस ये साइड पर हो गया और इसके पीछे एक है ईंटों की दीवार बनी हुई है। तो गाइस ये ईंटों की दीवार अब पता नहीं कैसे खुलेगी, ये तो नहीं मुझे पता कैसे खुलनी है। गाइस यहाँ पर वॉल है, इसको बंद करते हैं। गाइस इसके अंदर से हमें कुछ मिला है, क्रोबार मिला गाइस हमें, क्रोबार। तो मुझे लग रहा है इससे हम इसको उखाड़ सकते हैं, एक क्रोबार का काम होता है उखाड़ना। इसको जल्दी से यहाँ पर लगा देते हैं नोट्स को ताकि वो नोट करते हैं हर छोटी छोटी चीज़ का हमें ध्यान रखना पड़े। गाइस हमारे पास पिकैक्स कम्प्लीट हो चुकी है तो जल्दी से इसको बनाते हैं और उठाते हैं। गाइस हमें पिकैक्स मिल चुकी है, मुझे लग रहा है इससे हम इसको तोड़ पाएंगे। और गाइस नॉइज हुई है और अब वो आएगा मतलब कि वो ही आएगा। तो जल्दी से हमें इसको क्लोज करना पड़ना है। और गाइस सब कुछ मेरे लगता है मेरे मुताबिक से सब कुछ ठीक है, जल्दी से चल कर अंदर बैठ जाते हैं इससे पहले वो आए। और गाइस हम फाइनली अंदर आ चुके हैं। और गाइस मुझे नहीं लगता है हमने कुछ गलत किया है या गलत छोड़ा, गलत किया तो नहीं सही कह रहे हैं। गाइस वो कुछ ले के आया बॉक्स मुझे लग खाने पीने के लिए कुछ ले के आया क्योंकि हम काफ़ी देर से अंदर भूखे थे तो उसको तरसात हो गया। गाइस देखते हैं गाइस दोबारा से नोट कर, तो हैं हम बच जाएँ। और गाइस
Something's wrong here. भाई कुछ नहीं यहाँ पर, गलत हुआ, जा चले जा। हाँ इसकी मैं जा जा। गाइस मैंने हम बच चुके हैं और गाइस वो चला गया और देखते हैं हमारे लिए खाने के लिए वो क्या क्या लाया। पेट भर के खाएं, काफ़ी देर से हम बैठे हैं। तो गाइस कुछ उजाहर रहा है खाने पीने के लिए, यहाँ पर एक स्क्रू ड्राइवर है तो मुझे लग रहा है इसका कहीं तो काम है। वो गाइस हमने वहाँ पर टॉयलेट देखा था, उसके ऊपर स्क्रूज लगे हुए थे तो मुझे लग रहा है वो स्क्रूज इससे ही ओपन होंगे। तो ऐसा करते हैं इसको ओपन करते हैं जल्दी से। तो गाइस इसमें से हमें एक लीवर मिला है और ऐसा करते हैं हम जल्दी से इधर से अंदर चलते हैं। वो गाइस ने किसी बंदे को यहाँ पर पहले ही बंद किया था और बेचारा यहाँ पर वो भी स्केप करने आया था लेकिन उसके ऊपर कुछ गिर गया और वो बेचारा मार गया। चलें कोई बात नहीं, हम तो ज़रूर स्केप करेंगे ये चाहे मार गए। और यहाँ से एक चेन नीचे जा रही है, मुझे लग रहा है यहाँ पर कोई लिफ्ट होगी जिसको हमें खींच के ऊपर आना और इससे हम स्केप कर पाएंगे। तो जल्दी से चलते हैं और ये लीवर मिल जाता है उसी लिफ्ट का। और यहाँ पर एक एलिवेटर का भी बटन था। तो गाइस एलिवेटर अभी इनेबल नहीं हो सकता क्योंकि पावर नहीं है। नो गॉड प्लीज नो नो। तो गाइस मुझे लग रहा है हमें इसको ऑन करना पड़ेगा, अब हो सकता है एलिवेटर आए। गॉड डैम इट। तो गाइस एलिवेटर आ गया। आई शुड लॉक द डोर टू हेवन। तो गाइस हम जल्दी से इसको यहाँ पर फंसा देते हैं लकड़ी को ताकर हमें टाइम मिल जाए एस्केप करने के लिए। और हमारे पास काफ़ी कम टाइम है और एलिवेटर मुझे लग रहा है ऊपर आ रहा है। तो गाइस एलिवेटर ऊपर आ रहा है और एक काफ़ी खतरनाक सा एलिवेटर है। हरी अप। और गाइस हमारे पास टाइम कम है और टाइम ख़त्म हो गए और गाइस हमारा एलिवेटर भी आ चुके हैं। गाइस वो डोर के ऊपर आ गया भाई। और गाइस हमारा एलिवेटर काफ़ी स्लो आ रहा है, जल्दी से आ जा। गाइस जल्दी से लीवर पर लगाते हैं और नीचे चलते हैं और इससे पहले वो ऊपर आए। बहुत बेरहमी से उसने मारा हुआ बंदे को। गाइस उम्मीद तो है हम बच जाएं। और गाइस उसने डोर तोड़ लिया, वो यहाँ पर जाएगा मुझे लग रहा है। तो गाइस से हमें बचना पड़ना है यार, लिफ्ट काफ़ी स्लो है इसकी। गाइस नीचे पानी भी है, मुझे लग रहा है नीचे नाला जा रहा है जिससे हमें एस्केप करना। और गाइस उसने हमें देख लिया है, मुझे लगता है को कोई नहीं पता हम कहां से गए। थैंक गॉड। चलें अच्छी बात है। और गाइस यहां पर एक नाला सा है जहां पर पानी गिर रहा है तो हमें क्या, हमें एस्केप करना है चाहे जहां से भी। गाइस यहां से किसी की चिल्लाने की आवाज़ आ रही है तो मेरे लगता है उसने कहीं यहां पर भी किसी को बांध किया। तो गाइस हम इसको ओपन करने की कोशिश करते हैं। यहां पर उसने एक लॉक लगाया हुआ है। सॉरी गाइस ये ओपन नहीं हो रहा, ये किसी की के साथ बांध हुआ है। तो सॉरी फिलहाल हम अकेले स्केप करेंगे, मे बी नेक्स्ट टाइम हम इसको भी लेके जाएंगे। क्योंकि आपको मैं बता दूं कि इस गेम के 4 चैप्टर हैं और मे बी हम इसको भी एंड पे स्केप करवाएंगे जो सी वहाँ पे चिल्ला रही है लड़की। तो गाइस हमने पूरे 12 मिनट और 30 सेकंड में स्केप कर लिया। तो गाइस फिलहाल के लिए इतना ही, नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट एपिसोड में आएगा। तो अगर आपको इस ये एपिसोड अच्छा लगा है तो आप जल्दी से कमेंट करें नेक्स्ट चैप्टर के लिए, तो हम नेक्स्ट चैप्टर भी लाएंगे। और अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो यार लाइक मार दो, और नहीं आई तब भी लाइक मार दो क्योंकि फर्क नहीं पड़ता, सही बता रहा हूँ फर्क नहीं पड़ता, बस लाइक मार दो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर कुछ भी फेंक के मारो, ये माइक फेंक के मारो, ये कैमरा फेंक के मारो, मैंने उल्टा बोल दिया लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता है, बस सब्सक्राइब करो, मुझे नहीं पता। तो गाइस मिलेंगे किसी नई गेम प्ले वीडियो में किसी नई गेम के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सी यू।